Hello, my name is Nikunj Sondagar and I am from India. Completed M.Tech in Civil Engineering and specialization in Structural Engineering. So, आज का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ IS 1893 पार्ट 1 2002 वर्सेस IS 1893 पार्ट 1 2016. So, basically IS 1893 2002 और 2016 में काफी सारे रिवाइज आ चुके हैं. जिस पे हम डिजाइन करेंगे तो उसमें काफी सारा चेंजेस आएगा. जनरली मैं आपको बात करूँ कौन कौन से मेजर चेंजेस है, तो उसमें हमको डैम्पिंग रेशियो का चेंजेस आ चुका है. फिर इम्पोर्टेंस फैक्टर जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस फैक्टर का चेंजेस कितना आया है और कौन कौन सी बिल्डिंग पे हम चेंजेस करेंगे. फिर हम उसमें IS 15988 भी एड किया है, IS 1883 2016 में वो किया है और क्यों किया है. और IS 1893 2016 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए भी कुछ एडिशनल ऐड किया है जो 2002 में ऐड नहीं किया था. और अभी और एक डायनेमिक एनालिसिस का भी चेंजेस आया है. सो जनरली आज मैं आपसे 10 से 12 जो मेजर चेंजेस आए हैं उस पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ. सो पहला वाला चेंजेस जो है वो है IS कोड. कौन कौन से IS कोड IS 1893 2016 में ऐड किए हैं? जनरली IS कोड इसमें ऐड किया है IS 15988 जो बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के लिए. इंटरव्यू आपको यह पूछेगा कौन सा न्यू IS कोड IS 1893 2016 में ऐड किया है जो 2002 में नहीं था, वो है IS 15988 जिसका यूज है सेस्मिक इवोल्यूशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग रेनफोर्स कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर. मतलब ये क्या बोल रहा है, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसके लिए हम स्ट्रेंथनिंग करने के लिए जो हम सेस्मिक कंडीशन अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी सेस्मिक कंडीशन अप्लाई करेंगे ये हम IS 15988 में से देख सकते हैं. जो सेकंड मेजर चेंजेस है वो हमको दिया गया है डैम्पिंग रेशियो का. जो IS 1893 2002 था उसमें हम डैम्पिंग के क्राइटेरिया में 2% डैम्पिंग हम स्टील के लिए यूज करते थे और 5% डैम्पिंग हम रेनफोर्स कॉन्क्रीट बिल्डिंग के लिए यूज करते थे. पर जो मेजर चेंजेस इसमें आया है वो क्या है, यहाँ पे हम 2016 में 5% डैम्पिंग रेशियो ही गिवन है जो कि कौन कौन सी बिल्डिंग में यूज हो गया मैं आपको दिखाता हूँ. जनरली ये सारे के सारे बिल्डिंग के लिए यूज होंगे जिससे हम डिजाइन लेटरल फोर्स कैलकुलेट करेंगे और ओरिजेंटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, जिसमें ये स्टील स्ट्रक्चर के लिए यूज होगा, रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए यूज होगा, मशीनरी के लिए भी यूज होगा और जो भी कोई स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन होगा स्टील रेनफोर्समेंट का और मशीनरी स्टील का उसके लिए सारे के सारे बिल्डिंग के लिए हम मिनिमम डैम्पिंग रेशियो 5% ही यूज करेंगे. ये दूसरा मेजर चेंज था जिससे हमारे बिल्डिंग पे काफी सारा इफेक्ट आता है इससे. सो ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यूअर आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछेगा, मतलब पूछेगा ही. तो थर्ड मेजर चेंजेस है वो बेस में है, चेंजेस तो नहीं कह सकते इसको, पर इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन ऐड किया है बेस में. बेस ये 2002 में कुछ बेस के लिए डिस्क्रिप्शन नहीं था, अब 2016 में बेस के लिए कुछ क्राइटेरिया गिवन है. जनरली बेस क्या है, बॉटम जो सबसे नीचे लेवल है हमारा बिल्डिंग का उसको हम बेस कहते हैं. अगर हमने पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड किया, राफ्ट फाउंडेशन प्रोवाइड किया और फुटिंग प्रोवाइड किया तो हम उसमें बेस कौन सा काउंट करेंगे. अब यहाँ पे हम देखेंगे पाइल फाउंडेशन के लिए हम बेस कौन सा काउंट करेंगे, ये इसमें यहाँ पे गिवन है टॉप ऑफ द पाइल कैप. मतलब कि जो पाइल फाउंडेशन है आपका, यहाँ पे हम पाइल फाउंडेशन ये हमारा है, ये पाइल फाउंडेशन आप देख सकते हैं, इसका जो
ऑफ द फाइल के ऊपर, मतलब कि हमने जो फाइल फाउंडेशन के यहाँ इसकी फाइल की जो टॉप है उसको हम बेस काउंट करके बिल्डिंग के डिजाइन करेंगे। और फिर ये वन मोर स्केच मेरे पास है, आपको मैं और स्केच दिखाता हूँ। ये है पाइल का, जिसमें हम ये पाइल की जो पाइल कैप होती है, यहाँ पे पाइल कैप प्रोवाइड करते हैं हम। यहाँ पे पाइल कैप प्रोवाइड करेंगे, जो पाइल कैप के ऊपर का जो पार्ट है पाइल कैप से हम बेस काउंट करना स्टार्ट करेंगे। दूसरी कंडीशन है राफ फुटिंग, उसमें भी हम टॉप ऑफ द राफ काउंट करेंगे। देखते हैं राफ फाउंडेशन में हम बेस कौन सा कैलकुलेट करेंगे। ये जो हमने यहाँ पे राफ फाउंडेशन कंप्लीट किया है, ये जो राफ फाउंडेशन का टॉप पार्ट है जहां से हमारा कॉलम स्टार्ट होगा, इसको हम बेस काउंट करेंगे। फिर नेक्स्ट आएगा फुटिंग, फुटिंग में भी सेम वैसा ही है। जो फुटिंग का जो बॉटम पार्ट है जहां पे फुटिंग हमारा कंप्लीट हुआ, उसको हम हमारा बेस काउंट करके आगे की डिजाइनिंग करेंगे। और अब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, लास्ट थिंग क्या है इसमें, ये जो हमने कोई भी कंबाइंड बिल्डिंग का डिजाइन किया, मतलब कहीं पे भी हमने राफ फाउंडेशन सॉरी कहीं पे भी हमने फुटिंग प्रोवाइड की और कहीं पे भी हमने पाइल फाउंडेशन किया, तब हम कौन सा बॉटम लेवल समझेंगे, कौन सा बॉटम लेवल लेंगे। उसने स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिया है, कॉम्बाइन टाइप्स ऑफ फुटिंग द बेस इज कंसिडर एज द बॉटम मोस्ट लेवल ऑफ द बेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट इंडिविजुअली फाउंडेशन एज पर द डेफिनेशन लेवल। ये क्या बोला है, जो भी आपने फाउंडेशन में कुछ भी प्रोवाइड किया है, मतलब कि आपने स्लो फुटिंग किया है तो उसका बेस ये यहाँ पे से काउंट होगा, पाइल फाउंडेशन किया है तो आपको उसका बेस यहाँ से भी काउंट कर सकते हो। इस तरह से बेस को हम चेंज कर सकते हैं। इसने क्लियरली किया है इंडिविजुअल फाउंडेशन, आपको इंडिविजुअल ही फाउंडेशन का बेस यूज करना है। और अब फोर्थ और मेजर चेंजेस जो है वो हमारा है रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर का। ये रिस्पांस रिडक्शन फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम सेस्मिक डिजाइन कैलकुलेट करते हैं। ये जो IS 1886 में टेबल नंबर 9 गिवन है और 2002 में टेबल नंबर 7 गिवन है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर क्या है, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर से हम क्या निकाल सकते हैं। रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर से हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं और रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर से हम जो बेस शियर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और बेस शियर को कैसे और कब कहाँ पे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए आपको इटेप्स और स्टेट प्रो में देखना पड़ेगा, वहां पे हम रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर की वैल्यूज देते हैं। मैंने काफी सारे वीडियोस प्रोवाइड किए हैं इटेप्स के, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर एनालिसिस और टाइम हिस्ट्री एनालिसिस के, आप वहां जाके भी देख सकते हो बेस शियर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें मेजर चेंजेस क्या है रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर में। ये जनरली ऑर्डिनेटरी स्पेसिफिकली आरसी बिल्डिंग के लिए कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, नया ये है यहाँ पे फ्लैट स्लैब के लिए रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर स्पेशली ऐड किया है जो 3 है। जो पहले कुछ फ्लैट स्लैब के लिए यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं था। और दूसरा मेजर चेंज है, और ये स्टील बिल्डिंग विथ ऑर्डिनेट मोमेंट रेजिस्टेंस फ्रेम नहीं ऐड की है जिसका रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर हम 3 काउंट करेंगे। और यहाँ पे ब्रेस्ट फ्रेम सिस्टम के लिए ऑर्डिनरी ब्रेस्ट फ्रेम है, स्पेशल ब्रेस्ट फ्रेम है और स्पेशल ब्रेस्ट फ्रेम है जहाँ पे हम इसेंट्रिक बेस है और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड बेस है जिसके लिए हमने स्पेशली रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर यहाँ पे गिवन है जिसे हम बेस शियर हमारा कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कौन कौन से एडिशनली रिस्पॉन्स फैक्टर में की है आप बता सकते हो, ब्रेस्ट फ्रेम सिस्टम के लिए है, फिर आया रहा है फ्लैट शेप के लिए गिवन है। ये इंटरव्यूअर आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन से एडिशनल रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम ऐड किए हैं, आप
उसको पता है रिस्पॉन्स रिडक्शन की वैल्यू क्या है, आपको भी पता है, पर कौन कौन से एडिशनल ये किए हैं उससे वो आपसे मतलब है जानना। इसमें जो फिफ्थ और मेजर चेंजेस है वो है डायनेमिक एनालिसिस में। जब भी हम 2002 पार्ट से डिजाइन करते थे, तब हम रेगुलर बिल्डिंग थी उसमें हम सेस्मिक एनालिसिस कब करते थे, जब बिल्डिंग की हाइट 40 मीटर से ज्यादा हो जोन 4 और जोन 5 में, और 90 मीटर की हाइट जोन 2 और जोन 3 से ज्यादा हो, तब भी हम डायनेमिक एनालिसिस काउंट करते थे। और जब इरेग्युलर बिल्डिंग थी उसमें हम अगर हाइट 12 मीटर से ज्यादा होगी जोन 4 और जोन 5 में, और 40 मीटर से ज्यादा होगी जोन 2 और जोन 3 में, तब हम डायनेमिक एनालिसिस करते थे। पर 2016 में पूरा का पूरा उसने रिवाइज कर दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सारी की सारी बिल्डिंग जिसकी हाइट 15 मीटर से ज्यादा है, और जो बिल्डिंग सेस्मिक जोन 3, 4, 5 में आ रही है, उसके लिए आपको कंपलसरी डायनेमिक एनालिसिस करना ही पड़ता है। जो इसमें कोई भी बिल्डिंग 50 मीटर से उसकी हाइट बिलो है और वो बिल्डिंग जोन 2 में आ रही है, तब हमको कुछ डायनेमिक एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। अगर बिल्डिंग 50 मीटर से ज्यादा हुई और जोन 3, 4, 5 में आई, तब भी आपको डायनेमिक एनालिसिस करना पड़ेगा। और जब भी हाइट 20 मीटर होगी, यहाँ से 60 मीटर होगी, फिर भी वो जोन 2 में है, तब भी आपको डायनेमिक एनालिसिस कंपलसरी करना पड़ेगा। ये इसकी लोअर लिमिट है, इससे कुछ भी बढ़ेगा, यहाँ पे 16 होगा और यहाँ पे जोन 3 होगा, तब भी आपको कंपलसरी डायनेमिक एनालिसिस करना ही करना पड़ेगा। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमको रिमेम्बर करना है। और ये जो डायनेमिक एनालिसिस का मिनिमम क्राइटेरिया है वो हमको रिमेम्बर मतलब कि याद रखना है। कोई भी इंटीरियर आपको ये पूछेगा, डायनेमिक एनालिसिस कब करेंगे, जब भी बिल्डिंग की हाइट 50 मीटर से ज्यादा होगी और बिल्डिंग जोन 3, 4 और 5 में होगी, तब भी हम डायनेमिक एनालिसिस कंपलसरी करेंगे। और नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इंटीरियर आपको पूछेगा वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्राइटेरिया। 2002 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए कुछ भी क्राइटेरिया गिवन नहीं था, पर 2016 में पेज नंबर 14 पे 6.4.3.1 क्लोज में हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्राइटेरिया गिवन है। ये क्राइटेरिया कब हम यूज करेंगे, जब भी हम ईटीएफ में मॉडलिंग करेंगे, तब हमको कॉलम कॉलम और बीम के क्राइटेरियाज में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना पड़ेगा। ये उसके लिए क्राइटेरियाज है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है, जो हमारा आरसी और मेसनरी स्ट्रक्चर है जिसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया 70% यूज करेंगे कौन कॉलम के लिए, और 35% यूज करेंगे हम बीम के लिए। दैट मीन्स 0.7 यूज करेंगे कॉलम के लिए और 0.35 यूज करेंगे हम बीम के लिए। ये मैं आपको एग्जैक्टली एक्चुअली में केस यहाँ पे यूज करेंगे मैं आपको वो बताता हूँ। ये एक मेरा इटेप्स का मॉडल है जिसमें मैं सारे के सारे ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको देखा रहा हूँ, ये 0.7 किया है, मतलब 70% ऑफ द आई ग्रोथ ऑफ कॉलम, मतलब कि ये हम मैंने कॉलम की एक प्रॉपर्टीज है जिसमें मैं मॉडिफाइड करता हूँ, और यहाँ पे मॉडिफाइड सो मॉडिफाइड प्रॉपर्टीज करता हूँ। आप देख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 2 एक्सिस मैंने 0.7 ऑलरेडी ऐड किया है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट 3 एक्सिस 0.7 ऑलरेडी मैंने ऐड किया है। दैट मीन्स हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्राइटेरिया 0.7 ऐड करना है कॉलम के लिए, और ये बीम का क्राइटेरिया वहां पे भी मैं मॉडिफाइड करके आपको दिखाता हूँ। फिर से ये मॉडिफाइड करूंगा, आप देख सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.35 है सेकंड एक्सिस और थर्ड एक्सिस के लिए। ये हमारा करेक्ट क्राइटेरिया है, हमको कंपलसरी यूज करना है। और मैं ये ईटीएफ में मॉडर्न बिल्डिंग पे वर्क कर रहा हूँ, जिसका मैं पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल 1-2 दिन में अपलोड कर लूंगा, जहाँ यहाँ से आप ETFs कंप्लीटली लर्न कर सकते हो। और ये 0.7 कॉलम के लिए हो गया और 0.35 बीम के लिए हो गया।
और यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, दैट मीन्स स्टील स्ट्रक्चर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्रैक्ड क्राइटेरिया है। स्टील स्ट्रक्चर में कहीं भी क्रैक जनरेट नहीं होता, अगर वहां पे क्रैक हुआ दैट मीन्स स्ट्रक्चर फेल हो गया। तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जो इंटरव्यू के लिए भी और इक्विप्स के डिजाइनिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ये हमारा सिक्स और इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया था। अब नेक्स्ट में आपको कौन सा है वो मैं आपको बताता हूँ। और अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके मेजर चेंज हुआ है, वो है इम्पोर्टेंस फैक्टर। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस जगह पे आप इंटरव्यू पे जाओगे वो आपको डेफिनेटली ये पूछेगा कौन सा नया इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे ऐड हुआ है 2016 पे, कौन सा नया ऐड हुआ है। आपको सिंपली मैं आपको बताता हूँ क्या और क्यों कैसे हुआ, कुछ हार्ड नहीं है, सिंपली वेरी इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ओल्ड वर्जन था उसमें सिर्फ टू क्राइटेरिया दिए थे, जहाँ पे इम्पोर्टेंट सर्विस एंड कम्युनिटी बिल्डिंग्स हॉस्पिटल स्कूल्स के लिए हम 1.5 यूज करते थे और अदर ओल्ड बिल्डिंग के लिए हम 1 यूज करते थे। और यहाँ पे क्या हुआ है, जो हम ये फर्स्ट क्राइटेरिया था वो सेम ही है, बिल्डिंग्स के स्कूल है, मोमेंटम बिल्डिंग्स है, लाइफ लाइन एंड इमरजेंसी बिल्डिंग्स है, हॉस्पिटल्स बिल्डिंग, टेलीफोन एक्सचेंज, वहां पे हम 1.5 यूज करेंगे। पर यहाँ पे चेंजेस वो हुआ है जो रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल बिल्डिंग है, जो सीरियल नंबर ऑफ 1 पे नहीं आती, वहां पे हम 1.2 क्राइटेरिया यूज करेंगे। और ये जहाँ पे नंबर्स ऑफ पर्सन है 200 से ज्यादा है, वहां पे आपको जोन फैक्टर 1.2 यूज करना है, और अदर देन ऑल द जो रिमेनिंग बिल्डिंग है वहां पे हमको 1 ही यूज करना है। यहाँ पे और कुछ नोट्स गिवन है, जो यहाँ पे भी गिवन है, पर ये इम्पोर्टेंस नोट जो है मैं आपको वो बताता हूँ कौन कौन सी है। यहाँ पे लास्ट पॉइंट है, ये क्या बोल रहा है, जब भी आपकी बिल्डिंग में मिक्स ऑक्यूपेशन हो, मतलब कि आप हॉस्पिटल में भी यूज कर रहे हो, रेसिडेंशियल में भी यूज कर रहे हो, एक से ज्यादा पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, तब तो आपको जोन फैक्टर कौन सा यूज करना पड़ेगा, जो लार्जेस्ट जोन फैक्टर है वही आपको यूज करना पड़ेगा, मतलब कि हम 1.5 ही यूज करेंगे। और दूसरा क्या गिवन है, आपको जो भी आप बिल्डिंग डिजाइन करोगे तब आपको क्या करना है, आपकी जो भी बिल्डिंग है इसमें से तीनों में से आपको उससे ज्यादा जोन फैक्टर लेके बिल्डिंग डिजाइन कर सकते हो, ये ऑलरेडी नोट्स में यहाँ पे गिवन है, दैट मीन्स आपका बिल्डिंग की फैक्टर ऑफ सेफ्टी इससे बढ़ जाएगी। और ये नेक्स्ट जो चेंजेस आया है वो उसमें है हाइट ऑफ बिल्डिंग में। ये यहाँ पे जनरली हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर उसने कुछ स्पेसिफाइड नहीं किया है, सिर्फ यहाँ से बेस लेवल और हाइट लेवल लिखा है, पर एक्चुअली बेस कौन सा बेस, कहाँ पे बेस, यहाँ पे स्पेशली इसने क्लेरिफाई किया है कि कौन सा बेस है वो। यहाँ पे लिखा है, ये मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, जो बेसमेंट फ्लोर है उसमें हमने बेसमेंट वो जो प्रोवाइड की होगी तो वो हम हाइट में काउंट नहीं करेंगे, मतलब कि अगर ये बेसमेंट है हमारा और यहाँ पे हमने वॉल प्रोवाइड की है तो अब हमारा जो स्टार्टिंग होगा वो यहाँ से होगा, यहाँ से हम हमारा बेस स्टार्ट करेंगे, मतलब कि यहाँ पे अब जो हम स्लैब प्रोवाइड करेंगे वो हमारा बेस होगा। और सेकंड पॉइंट क्या है, अगर हाइट ऑफ द बिल्डिंग में हमें बेस इंक्लूड करना है तो क्या करेंगे, जो बेसमेंट वॉल आर नॉट कनेक्टेड विद द ग्राउंड फ्लोर स्लैब, दैट मीन्स जो हमारा बेसमेंट है, जो हमारा बेसमेंट है वो हमारा यहाँ पे वॉल नहीं है, दैट मीन्स ये कॉलम और बीम के साथ ही कनेक्टेड है, दैट मीन्स यहाँ पे वॉल नहीं है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा जो बेस है वो यहाँ से यहाँ तक टॉप तक काउंट करना पड़ेगा। और मैं एक आपको क्लियर करवाता हूँ कि क्या मतलब है, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे वॉल नहीं है बेसमेंट पे, दैट मीन्स हमारा जो बेस होगा वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक होगा, क्यों, इसमें यहाँ पे वॉल नहीं है। और ये स्केच में क्या है, यहाँ पे वॉल है, दैट मीन्स हमारा बेस जो यहाँ पे स्लेब हम फिल करेंगे वहां से हमारा बेस स्टार्ट होगा, ये एक
प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग की बात है, आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा बेस हम कहाँ से हमको स्टार्ट करना है। ये इसमें भी दो टाइप के बेस थे, जिसमें एक में हम बेस की हाइट ऐड करेंगे और एक में हम हाइट हाइट है जो बेसमेंट की वो हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि एक में हम जो हाइट ऐड नहीं करेंगे उसमें हमने ऑलरेडी वॉल काउंट वॉल प्रोवाइड की होगी, और जिसमें हम इंक्लूड करेंगे रूफ बॉटम लेवल उसमें हम यहाँ पे वॉल प्रोवाइड नहीं करेंगे। और ये जो सारे के सारे IS 1893 2002 और 2016 का जो डिफरेंस था वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, और ये सारे के सारे मेजर चेंजेस है। अभी काफी सारे माइनर चेंजेस अवेलेबल है जो मैं आपको सेकंड वीडियोस में वन बाय वन एक्सप्लेनिंग करूंगा, और वो भी प्रैक्टिकली कैसे कहाँ पे हम यूज करेंगे उसके हिसाब से। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। Chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left.